हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जायसवाल, एंड स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बनाया था एंड पूछा था कि देखो दोस्तों, हम लेक्चर वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जल्द से जल्द। तो दोस्तों, ये वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हम लेक्चर वीडियो तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हर स्टैंडर्ड के हर चैप्टर सब्जेक्ट वाइज, हर चैप्टर वाइज मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू बताने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग बताएंगे आपको कि साइंस जो सब्जेक्ट है, 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर्स है उसका यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर का नाम है, प्लस वो चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आगे आने वाले दिनों में, एंड वो चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, ये सभी चीज आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो देखने का आपका जो इंटेंशन है वो काफी अच्छा, एक फायदेमंद आपके लिए ये हो सकता है कि आपको जब भी आप अपना बुक खोल के आप देखोगे तो आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आपके लिए जो सिलेबस रहेगा वो आपके लिए न्यू है। तो यहाँ पे मैं जब ये ओवरव्यू बता दूंगा एंड फिर जाके आप अपना जब टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा जरूर से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग साइंस वन जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर्स है, वो 10 चैप्टर्स का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ओवरव्यू बताऊंगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर है यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के अंदर हम लोग क्या देखने वाले, नाम से ही पता चलना चाहिए कि ग्रेविटेशन इज नथिंग बट ग्रेविटी। तो ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो न्यूटन्स लॉ के बारे में। न्यूटन कौन था? न्यूटन वो साइंटिस्ट था जिन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया था, एंड ग्रेविटी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका लॉ क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सभी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अर्थ का मास क्या होता है, अर्थ का एटॉमिक रेडियस क्या होता है, अर्थ का एटॉमिक साइज क्या होता है, ये सभी चीज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम लोग कुछ अर्थ के हमारे जो केपलर लॉ होते हैं, 3 लॉ होते हैं, वो डिस्कस करेंगे, एंड बाद में हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। तो ये था चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू। सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये चैप्टर में हम क्या करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वो देखेंगे, वेरियस लॉ बेस्ड ऑन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल आपको पता ही होगा क्या होता है पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये सभी चीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तीसरा चैप्टर जो है इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये चैप्टर क्या है दोस्तों, नाम से पता चलना चाहिए केमिकल रिएक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर उसमें केमिकल इक्वेशंस आता है, आपको पता होगा कि जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो मैथमेटिकली उसको हम लोग को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है। तो केमिकल इक्वेशन, साथ में उसको बैलेंस कैसे करना है, बैलेंसिंग हो गया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो स्टडी करेंगे, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे करोजन। ये तो हो गया चैप्टर नंबर 3 का ओवरव्यू। चैप्टर नंबर 4 की बात करूं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो दोस्तों, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के यहाँ पे बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि ये चैप्टर के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जस्ट मैंने 3-4 महीने पहले ही वो वीडियो अपलोड किया था। इसमें हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाया है, ये तीनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो मेरे वीडियोस में जाके, नहीं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे मैं ऑलरेडी दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो वो वीडियो को। और यहाँ पे मैं बता दूं कि क्या क्या है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके सर्किट क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, और साथ में जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर ये कैसे वर्क करते हैं, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे हम ये चैप्टर के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, हीट नाम है चैप्टर का। तो हीट में हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है उसके, रेगुलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, और हीट के एक्सचेंजर्स, जो हीट एक्सचेंजर्स बोलते हैं, इनका क्या रोल है हीट में, वो सब चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 6th चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो दोस्तों, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ये अलग वर्ड है, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, रिफ्लेक्शन आपने सुना होगा, तो ये जो रिफ्रैक्शन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, साथ में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कौन कौन से लॉज होते हैं, मिराज क्या होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दो है, तो हम रेगिस्तान में होते हैं तो हम लोग को दूर से ऐसा दिखाई देता है कि वो एक तालाब है, वहां पे हम पानी पीने के लिए जाते हैं, लेकिन वो तालाब नहीं निकलता है, उल्टा रेत ही निकलता है, तो नॉर्मली उसको मिराज बोलते हैं उसको हम लोग। तो मिराज क्या होता है, साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक व्हाइट लाइट में से 7 कलर कैसे अलग अलग निकल जाते हैं, तो वो
वो हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है दोस्तों, और हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेवेंथ चैप्टर है, सातवां चैप्टर जो है वो है लेंसेज। तो लेंसेज में हम डिस्कस करेंगे कौन से टाइप के लेंस होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, स्फेरिकल लेंस होता है, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसा डिसीज जो नॉर्मली लेंसेज की कमी के कारण होता है जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया बोलते हैं दोस्तों। और मैं बात करूँ यहाँ पे आठवां चैप्टर की जिसका नाम है मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कि हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। साथ में बहुत सारे टाइप के बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, ये हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 9 आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कार्बन कंपाउंड्स नाम है ये चैप्टर का। कार्बन कंपाउंड्स में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कार्बन क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डायमंड ग्राफाइट कैसे बनता है, साथ में कार्बन के कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे होता है, नोमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मीथेन इथेन प्रोपेन, ये सभी चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और 10वां चैप्टर जो है हमारा आखिरी चैप्टर जिसका नाम है स्पेस मिशन, तो स्पेस मिशन में सैटेलाइट्स हम डिस्कस करने वाले, सैटेलाइट क्या होता है, उसकी हम लोग कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से टाइप के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, साथ में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे आपने मिशन मंगल जो मूवी थी वो देखी होगी, तो उसमें जो हम चांद पे जब जाते हैं सॉरी मार्स पे जब जाते हैं तो वहां पे वो जो लॉन्च व्हीकल यूज किया था वो पीएसएलवी यूज किया गया था, तो पीएसएलवी जीएसएलवी ऐसे बहुत सारे टाइप के लॉन्च व्हीकल होते हैं, यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 10 चैप्टर्स का ओवरव्यू, लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। देखो दोस्तों यहां पे एक जनरल सी बात है, आप लोग का लॉकडाउन जो है वो 3 मई तक हो चुका है, तो आपको सबको पता है कि लॉकडाउन 3 मई तक तो रहने वाला है, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि आने वाले कुछ दिन के बाद भी, यानी कि 3 मई के बाद भी आपका लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका ये मतलब है कि आपका दोस्तों जो स्कूल है या फिर कॉलेज है वो काफी लेट स्टार्ट होगा, तो इसके लिए आपके पास अभी टाइम है कि आप जो है वो कंसेप्ट को गेन कर लो अभी से, क्योंकि सवाल अभी आप बोलोगे कि सर अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अपना ये जो फ्री टाइम है उसको पबजी खेलने में लूडो खेलने में वेस्ट मत करिए, कम से कम 1 घंटा तो आप हमारे वीडियोस आके देखो। ये वीडियो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यहां से आप कंसेप्ट को गेन करके जाओगे, और एक बार आपने 15 से 20 दिन या फिर 1 महीना पढ़ाई कर ली, और अगर आपने कंसेप्ट गेन कर लिया तो आगे जब स्कूल में जब जाओगे जब पढ़ाई करोगे तो अपने काफी जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे मोर देन 80% लोगों से आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपको वो चीज़ पहले से ही आता है जो वो स्कूल में तभी सिखाया जा रही होगी दोस्तों। तो ये एक प्रॉफिट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉकडाउन पीरियड का बहुत अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हो, हमारे वीडियोस आके देखो। और एक चीज़ आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे लास्ट चीज़ यहाँ पे बताऊंगा मैं, रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को पता चल सके कि जब JR Tutorials एक चैनल है जो कि आप आने वाले दिनों में लेक्चर्स वीडियो डालने वाला है अलग अलग स्टैंडर्ड के, जैसे मैं फिर से रिपीट करूंगा 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये 5 स्टैंडर्ड के ये लेक्चर्स वीडियो डालने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे आएंगे, बस आपको डिमांड करना है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो, ताकि हम लोग का जो कम्युनिटी टैब है वो जल्दी से जल्दी ओपन हो पाए। एंड कम्युनिटी टैब मिलने का फायदा ये होता है दोस्तों, आप लोग के लिए बेनिफिट है, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाते हैं स्टेटस लगाते हैं, वैसे हम YouTube पे भी स्टोरी लगा सकते हैं स्टेटस लगाते हैं बाय मीन्स ऑफ कम्युनिटी टैब। तो ये एडवांटेज है कि जब भी हम न्यू वीडियो बनाएंगे लेके आएंगे या फिर 1-2 दिन के बाद लाने वाले रहेंगे, तो आपको पहले से हम कम्युनिटी टैब में बता देंगे कि दोस्तों हम ये दिन में ये वीडियो डालेंगे, ये दिन में ये वीडियो डालने वाले हैं, तो उससे आपको पहले से ही नोटिफिकेशन या फिर मैं बोल सकूं आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा वीडियो बनाने वाले हो। दोस्तों एक और चीज, जो भी आप जितने भी स्टैंडर्ड्स के देख रहे हो, 10th स्टैंडर्ड के हो ये वीडियो तो उनके लिए है, लेकिन बाकी स्टैंडर्ड के भी हो आप देख रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए फटाफट वीडियो बना के चाहिए, हर एक चैप्टर का मैं ओवरव्यू खुद आके दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए फटाफट कमेंट करना होगा आप लोगों को, जिसका ज़्यादा कमेंट होगा उसके लिए सब्जेक्ट उसके जो स्टैंडर्ड है तो उसका फटाफट मैं बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो लेके आए ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।